सागर वाले जंगल में एक रानो चिड़िया रहती थी। रानो ने 3 अंडे दिए। उसकी हमसाई गोरी कव्वी थी। गोरी ने भी 3 ही अंडे दिए थे। रानो चिड़िया रात गए तक अपने अंडों पर ही बैठी रहती, खाना खाने भी कम ही जाती थी। और गोरी कव्वी बहुत कम ही अपने अंडों पर बैठती थी। कभी खुद बैठती और कभी कालू कव्वे को अंडों पे बिठाए रखती और खुद पूरा पूरा दिन गायब रहती थी। गोरी, देखो तुम सारा दिन घर से गायब रहती हो, उधर रानो सारा दिन अंडों पर बैठती है। अरे कालू जी, अंडों पर पूरा दिन बैठे या ना बैठे, देखने ना होनी तो उसकी लड़की पंछी है और मुझे तो देखना अल्लाह ने बेटा देना है। आप ही तो फारगी होते हो, बैठ जाते हो तो फिर क्या हुआ? अरे गोरी, सर्दियाँ आने वाली हैं। अब सर्दियों में इस घोंसले से गुजारा नहीं होने वाला, बारिशों का मौसम आने वाला है। तुम अंडों पर बैठो ताकि मैं अपने किसी घर बार की फिक्र करूं, घर बनाऊं जाके। ठीक है कालू जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, आखिर हमारे बच्चे इस घोंसले में तो नहीं रह सकते ना। गोरी आखिरकार गुस्सा करती करती अंडों पर बैठ ही गई थी और बच्चे भी अब निकलने ही वाले थे। आखिरकार उनके 2 अंडे तो खराब हुए और 1 अंडे से लड़का पंछी निकल आया। गोरी, मुबारक हो तुमको, अल्लाह ने हमें बेटा दे दिया है, अब इसका हमने नाम रखना है जग्गू। हाँ कालू जी, शुक्र है अल्लाह का और आर मारी हम साई रानो, बेटी हुई है फिर उसको। दूसरी तरफ रानो चिड़िया अपनी एक बेटी को पाकर बहुत खुश थी और वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। अल्लाह मियाँ, आपका बहुत बहुत शुक्र है, आपने मुझे बहुत प्यारी बेटी दी है। मैं अपनी इस बेटी का नाम रखूंगी गुड़िया। अरे मेरी गुड़िया बेटी कितनी प्यारी है। कुछ दिनों के बाद बारिशें होने लगी। गुड़िया का घोंसला बह गया था, वो अपनी बेटी को लेकर परेशान हो गई। गुड़िया बेटी, जब आप बहुत छोटे थे तो मैंने पहले ही से घर बना लिया था ताकि बारिशों में हमारे काम आ सके। चलें अब हम अपने घर चलते हैं। दोनों माँ बेटी अपने घर की तरफ चल दी। मामा, मैंने रास्ते में आते हुए देखा था गोरी आंटी और उनका बेटा जग्गू बारिश में परेशान हो रहे थे। आप कहती हैं ना कि दूसरों की मदद करनी चाहिए, मुश्किल में दूसरों का साथ देना चाहिए, तो क्या हमें अपने घर का दूसरा हिस्सा उनको दे देना चाहिए? हाँ बेटा बिल्कुल, मुश्किल में गिरे हुए लोगों की ज़रूर मदद करनी चाहिए। हम अभी गोरी को बुलाते हैं और अपने घर का दूसरा हिस्सा लोगों को दे देते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। दोनों माँ बेटियाँ फिर बारिश में वापस गईं। उन्होंने देखा कि जग्गू तो किसी के घर पर था और गोरी और कालू कौवा बारिश से बचने के लिए एक दरख्त के नीचे लेटे हुए थे। दोनों माँ बेटियों ने गोरी कालू कव्वू कव्वे और जग्गू को अपने घर का पिछला हिस्सा दे दिया। गोरी दिल ही दिल में उनकी मशकूर हुई और उसने रानो चिड़िया का शुक्रिया अदा किया। गोरी, देखा तुमने, वो रानो और उसकी बेटी कितनी अच्छी हैं, उन्होंने हमें रहने को जगह दे दी। तुम रानो और उसकी बेटी के खिलाफ कितनी बातें करती थी, दोनों ही अच्छी हैं। कालू जी, अब आप रानो के ही गुण गाते रहेंगे, क्या हुआ जो हमें रुकने के लिए थोड़ी देर ये जगह दे दी, तो एहसान तो नहीं किया, खाली पड़ी थी। रानो ने अपनी बेटी की इतनी अच्छी तरबियत की है, कितनी अच्छी है उसकी लड़की, और एक हमारा जग्गू सारा दिन नवारा फिरता है। मैं सोच रहा हूँ अब इसकी शादी कर देते हैं। बस रानो ने पता नहीं कौन सा जादू कर दिया है आप पर, कुछ दिनों के लिए जगह क्या हमें ये दे रखी है, आप तो उसके दीवाने ही हो गए हैं कालू जी। हाँ, मेरी बेटी के बारे में ऐसी बात मत किया करें, चलो ठीक है, शादी की बात आपने ठीक की है। मेरी नज़र में एक दो अच्छी कवियाँ हैं, मैं अब सुबह ही अपने जग्गू के रिश्ते की बात करती हूँ। अगले दिन गोरी कव्वी दूसरे जंगल को चल दी और कालू कव्वा दूसरे जंगल को चल दिया ताकि अपने बेटे के लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढे। दोनों ने आखिरकार एक सुंदर सी कव्वी ढूंढ ही निकाली और जग्गू की शादी कर दी। दूसरी तरफ रानो चिड़िया ने भी एक अच्छा सा चिड़ा देखकर अपनी बेटी गुड़िया की शादी कर दी थी। वो चिड़ा बहुत ही अच्छा था और रानो का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था।
शादी के बाद भी गुड़िया ने अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ा और उसकी माँ आराम करती थी और गुड़िया सारे घर के काम भी करती। और दूसरी तरफ गोरी की बहू को गोरी पसंद नहीं थी। जग्गू जी, मम्मा की नोक टोक मुझे अच्छी नहीं लगती। हर बात पे टोकना मुझे पसंद नहीं है। आपको पता तो है मैं इकलौती हूँ, मुझे तो कोई भी नहीं टोकता था। अरे पारो जी, मैं उनको समझाऊंगा, वो क्यों टोकेंगी आपको। आप बस उनसे घर का काम करवाया करें और खुश रहा करें। अब गोरी सारा दिन घर का काम करती और पारो आराम करती थी। और आज बेटियों से, लड़की पंछियों से नफरत करने वाली गोरी दिल में दुआ मांगती थी कि काश अल्लाह ने एक बेटी दी होती।